आज हम आपको पाठ चार संज्ञा नाम वाले सब पाठ का पांचवा प्रश्न लिखवाएंगे। पांचवा प्रश्न क्या है? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उसका उत्तर देखें सब लोग। जिन शब्दों से मन के किसी भाव का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मन के भाव का नहीं, हम दुखी हैं, खुश हैं, हमारे अंदर ईमानदारी है, हमारे फेस पे हमारे मन में लालच का भाव चमक रहा है, सब देखने से पता चलता है इंसान क्या चाहता है ना। उसी तरह से मन के भाव, मन के किसी भाव का पता चलता उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खुशी, उदासी, सुख, मिठास, ईमानदारी आदि। एक बार फिर देखें, जिन शब्दों से मन के किसी भाव का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खुशी, उदासी, सुख, मिठास, ईमानदारी आदि। आप लोग इसके बाद देखेंगे, इन प्रश्नों को याद करेंगे, पाठ है चार के सारे प्रश्नों को याद करेंगे, हम आपसे मिलेंगे, जरूर पूछेंगे। इसके बाद पेज नंबर 15 पे देखें, एक घड़ा बना हुआ है, घड़े में व्यक्तिवाचक संज्ञा वाले शब्द, जातिवाचक संज्ञा वाले शब्द, भाववाचक वाले संज्ञा वाले शब्द लिखे हुए हैं। उसमें से आपको चुन चुन कर अलग करना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या क्या है उसमें? हिमालय, अमन, दिल्ली। और जातिवाचक संज्ञा में पंखा, यानी कौन सा पंखा? पंखा जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम कहेंगे कूलर का पंखा होता है, सीलिंग फैन होता है, टेबल फैन होता है ना, तो उस तरह से अलग अलग नाम अगर लिखा जाएगा तो